सर अभी आप पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किए जी हैं, सर। क्या मकसद क्या है? मेरा नाम विद्यानंद है और हम विश्वास गुरुकुल नाम से एक संस्था चलाते हैं जो आनंद कुमार के जस्ट अपोजिट है। वो हॉस्टल है बेसिकली, उन्हीं के बच्चे रहते हैं। तो चूंकि जो हमारे बच्चे रहते नहीं था, तो हम पिछले साल इनके रिजल्ट के बारे में पूछे थे कि सर 26 रिजल्ट जो आप बताए हैं, तो कौन है 26? जरा पब्लिक को बताइए, बच्चा और गार्जियन को जानने का हक है। तो वो बिल्कुल भड़क गए, बौखला गए कि तुम्हारा कौन होता, तुम्हारा औकात क्या है, तुम तो हॉस्टल वाले हो। तो हम बोले सर सिर्फ हॉस्टल वाले नहीं हैं, हम उनके गार्जियन को गार्जियन अपॉइंट करके जाते हैं 100 लोगों के, तो उनके बाप भी हैं, तो हमको तो जवाब चाहिए इसका। फिर वो बात आई नहीं, हमको पुख्ता सबूत था कि 3-4 बच्चे का रिजल्ट हुआ है, 26 बिल्कुल फेक बात है। तो ये बात मीडिया में काफ़ी दिन चला, उनसे जवाब मांगा गया, बहुत सारा सवाल आया, वो हर मुद्दे पे बात किए लेकिन कभी भी रिजल्ट का बात नहीं किए। और इसको इनको इस बात का पता था कि इस बार ये 90 बच्चों का घोषणा किए थे सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि इस बार 90 बच्चा लेंगे हम, और इनके पास 30 बच्चा भी इस साल नहीं है। तो इनको पूरा पता है कि फिर से इस बार फ्लॉप होना है चीज़। तो ये पूरे तरीके से लगे हुए व्यवस्था में कि इसको किसी तरह से फर्जी केस में उलझा दो और समाज के सामने मिसक्रेडिट कर दो। तो इसके पहले भी हमारे ऊपर 2 नवंबर को अपने स्टाफ के द्वारा केस करवाए हैं, उस स्टाफ का उनके साथ एसोसिएशन वाला फोटो सब लोगों को दिए भी हैं आप लोगों को। और फिर एक प्रणव कुमार, उनके जो छोटे भाई हैं, उनका एक बहुत माइनर सा एक्सीडेंट हुआ है रोड पे, और उस पे वो जो है ज़बरदस्ती लगे हुए हैं माइलेज लेने में, पब्लिसिटी लेने में कि भाई उसमें विद्यानंद का बहुत दूर 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 से मिला के थोड़ा सा हाथ निकल रहा है। तो उसमें वो न कुछ प्रूफ कर पा रहे हैं, न बाकी चीज़ कर पा रहे हैं, लेकिन सारा का सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ रहा है। तो खैर, हम उसके लिए कोई चिंता नहीं है, हमको क्या भी इल्जाम है? एक्सीडेंट में क्या है? इल्ज़ाम है कि वो बाइक के साथ घिसट गए, हाईवा से टक्कर हुआ, हाईवा से टक्कर हुआ है और बाइक पे कहीं टूट फूट नहीं है। बाइक के साथ 12 मीटर घिसटने के बाद वो अपना फ़ोन निकाल के हाईवा का फोटो ले रहे थे, सिर्फ नंबर का। तो उस समय 5 लड़के आए और उनको बाइक से वो हाईवा का फोटो लेने से रोक दिए। तो उस 5 में से कभी किसी को मेरे साथ वो देखे थे, तो इस हिसाब से साजिश करता हुए हम तो समझ ही नहीं आता कि किस हिसाब से है। हमसे थाना में भी लोग आए इंक्वायरी करने के लिए, पूछने के लिए, हमसे पूछे कि आपका क्या एसोसिएशन है। हमने सर किसी भी तरह का जांच में सपोर्ट चाहिए, हम एनी टाइम अवेलेबल रहेंगे, जब आप कॉल करें हम रहेंगे। मतलब कि आप उनके झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं, इस जी वजह से आपसे दुश्मनी रखते हैं या द्वेष रखते हैं जी और जी इस केस में आपको फंसाना चाहते जी हैं। झूठ का भी पर्दाफाश, और आगे आने वाला जो झूठ है, जो जी 90 90 बोल करके 900 बच्चा जुटा लिए चारों तरफ से और उनके पास 30 बच्चा फिर नहीं है। हम आप लोगों से विनम्रता से बड़ी निवेदन करते हैं कि आप जाइए उनसे कहिए 30 बच्चा का जो है फोटो हमको आप दे दीजिए, परीक्षा 10 दिन के कर बाद एग्जाम होना है, 12 तारीख से एग्जाम है। रहे हैं। और प्रणव कुमार जो 12 फिट घिसटाए हैं, ये घिसटाने के बाद एड़ी में कैसे चोट लगता है, ये हमको समझ से परे है। पूरे बॉडी में एक स्पॉट नहीं है घिसटाने का। और जो घटना के समय आप अपने घर में थे, ऐसा आपका कहना? हाँ, घर में ही होंगे और हम कहीं जाते होते नहीं हैं, तो घर पे ही होंगे, या कहीं से कुछ पता करें हमको कोई आपके दिक्कत जिस नहीं। करीबी के बारे में बताया जा रहा हाँ है, हाँ वो कौन करीबी है? वो देखे हैं वो बताएं, आपको नहीं हम पता? कैसे बताएंगे। आज आप मान लीजिए हम ही को उसका कोई नाम नहीं FIR में है? कुछ नहीं, सिर्फ मेरा नाम है, वो भी हाँ FIR के तो लास्ट लाइन में, FIR में है, इवन कि अपने जिस बाइक से एक्सीडेंट किया उसका भी नंबर नहीं दिया वो, और बाइक का MVI भी नहीं हुआ, बाइक घर में उनका लगा हुआ। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि कोई केस इसमें बनता नहीं है, वो झूठो परेशान है 307 लगवाने के लिए, और पुलिस ने उनको कह दिया कि सर उस तरह का चीज़ नहीं, हम जांच करके ही कोई बात आगे बढ़ाएंगे। पुलिस बिल्कुल हमारे सपोर्ट में है और हमको सहयोग किया है, उसमें कहीं कोई दो राय की पुलिस बात ने नहीं। आपसे पूछताछ किया? हाँ, पूछताछ की। वो